हाँ तो हम आ चुके हैं हमारे आज के इस मैच के साथ और शुरुआत करते हैं यहाँ पर फिलहाल इस मैच की। मुंबई की टीम चूज करके खेलेंगे हम इस मैच को और आज के इस मैच में हमने बॉलिंग भी की है थोड़ी बहुत, तो देखेंगे उसको। फिलहाल यहाँ पर पुणे के स्टेडियम में ये मैच हो रहा है टॉस में। आज टेल्स चूज़ करते हैं और बिल्कुल यहाँ पर अब हमने टेल्स चूज़ कर लिया है टॉस में। फैसला क्या होता है देखते हैं, हम जीते टॉस को ये हम चाहेंगे। और ओके तो टॉस आज हम हार चुके हैं और आज हमें पहले बैटिंग करने को मिली है। अभी तक के इंडियन T20 टूर्नामेंट की ये जो सीरीज़ चली है WCC3 के हॉट इवेंट्स में, अभी तक के ऐसा हुआ नहीं है एक भी बार। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीरीज़ का कोई मैच हम खेल रहे हों और पहले हमें बैटिंग करने को मिली हो। खैर कोई बात नहीं, हमें अब पहले बैटिंग करने को मिली है तो हम बैटिंग करेंगे भी कुछ वैसे ही। यहाँ पर गुड लेंथ की ये बॉल है, पहली ही बॉल पर ये परफेक्ट टाइमिंग के साथ छक्का। फुल लेंथ की बॉल, इस बार कवर्स को पार करेंगे और बिल्कुल इस बार तो चौका मिलेगा, छक्का नहीं मिल पाया। और हाँ, पहले हमने टॉस में कई बार ऐसा होता है कि हम हेड्स चूज़ करते हैं और इतनी जल्दी ये लोग कैसे परेशान हो गए। अभी तो ये तीनों बैट्समैन भी आने को हैं और हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि आज हमने पहले जब टॉस हुआ तो हमने हेड्स नहीं टेल्स चूज़ किया, जो कि ज़्यादातर के हम हेड्स चूज़ करते हैं। तो आज हमने टेल्स चूज़ किया और टेल्स चूज़ करने का फ़ैसला हमारा गलत साबित हुआ और वहाँ पर हमें बैटिंग करने को मिल गई। हमारी जो ओपोनेंट टीम के कैप्टन हैं उन्होंने टॉस जीत कर किया बॉलिंग का फ़ैसला। तो अब पहले जब बैटिंग करने हम आए हैं तो बैटिंग कर भी कुछ वैसी ही रहे हैं। इस बार पीछे की तरफ ये लॉफ्ट हेड शॉट है और एक कमाल का ये चौका है। टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी पर चौका मिला, ये वाला चौका तो बहुत मज़ेदार है। और इस चौके के बाद अब इस बार सामने की तरफ ये शॉट है, ग्राउंडेड ये शॉट है, गैप में ये शॉट है और ओहो ये रुकना चाहिए था। फील्डिंग यहाँ पर अच्छी हो सकती थी। इस बार फिर से ग्राउंडेड शॉट, इस बार तो चौका मिलेगा क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ही खूबसूरत थी, एक नंबर की प्लेसमेंट थी। और इस बार तो इन्होंने भी चौका लगा दिया, अभी तक उस बैट्समैन के तरफ से एक भी चौका लगा नहीं था। फिलहाल यहाँ पर नो बॉल, फ्री हिट हुई है, बॉलिंग आज अच्छी नहीं हो रही है और यहाँ पर कमाल के चौके लगते चले जा रहे हैं। 7.3 ओवर्स का मैच अभी तक के हुआ है, एक और ये बाउंड्री है, टाइमिंग इसकी परफेक्ट और ये छक्का। और यहाँ पर फिलहाल एक नो बॉल है, फ्री हिट मिली है हमें और फ्री हिट पर एक अच्छा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस बैट्समैन का अर्धशतक पूरा हो चुका है, 23 बॉल में 55 रन, 6 चौके, 2 छक्के। और डगआउट में बैठी हुई जो टीम है ना, वो आज अपने इस कैप्टन के प्रदर्शन की सराहना करती हुई, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा है बैट्समैन, ये कमाल का खेल रहा है और हम बिल्कुल चाहेंगे भी नहीं कि ये रुके, ये अभी और ऐसे ही खेलते रहें। इस बार लॉफ्टेड ये शॉट है और चौका ही मिल पाएगा, छक्का नहीं मिल पाएगा, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेटजिक टाइम आउट हो चुका है और उस स्ट्रेटजिक टाइम आउट के बाद क्या कुछ स्ट्रेटजीज बनाई है पंजाब की टीम ने, कोई फ़ायदा नहीं। ये जो बैट्समैन है, इस बार हेलीकॉप्टर निकाला इन्होंने, यॉर्कर लेंथ की बॉल थी और वो तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन के अंदर से खोद करके निकाला है शॉट और कमाल का वो शॉट था। फिलहाल यहाँ पर एक स्ट्रेटजिक टाइम आउट हो चुका है और स्ट्रेटजिक टाइम आउट क्या, यहाँ पर मुंबई की टीम को थोड़ा सा ब्रेक मिल चुका है 2.5 मिनट का, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी और तेज़ी पकड़ने की कोशिश करेंगे। इस बार पीछे की तरफ है ये लॉफ्टेड शॉट और छक्का है ये, और इस छक्के के साथ अब ये अपने शतक से बस कुछ ही रन दूर हैं। दर्शक बिल्कुल देखना चाहेंगे ये शतक पूरा होते हुए। लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश है, पीछे की तरफ ये शॉट है और चौका होना चाहिए और बिल्कुल ये चौका हुआ है। शायद ये नो बॉल है, देखना होगा। और जी हाँ बिल्कुल ये नो बॉल है, फ्री हिट मिली है अब। और यहाँ पर इस बैट्समैन का शतक पूरा हो चुका है, 49 बॉल्स में 11 चौके, 3 छक्के। जिस तेज़ी के साथ आज ये खेले हैं ना, बहुत मज़ेदार। और ये वीडियो को इन्होंने आज बिल्कुल लाजवाब बना दिया है। फिलहाल पीछे की तरफ ये लॉफ्टेड शॉट है, थोड़ा सा वो ऑफ साइड की तरफ आया और पीछे की तरफ शॉट खेलने वाले थे,
यहाँ पर फ्री हिट का फ़ायदा हम नहीं उठा पाए, पर कोई बात नहीं, आज कमाल की इनिंग्स खेली है इन्होंने और बहुत ही मज़ेदार इनिंग्स खेली है। इस ओवर की ये सेकेंड लास्ट बॉल है और एक और चौका, क्या बात है। यहाँ पर इस ओवर की आखिरी बॉल, लॉफ्टेड ये शॉट और एक और छक्का लग चुका है और चौके के साथ शतक पूरा किया था और यहाँ पर छक्के के साथ ओवर की समाप्ति की। मुंबई की टीम ने बना दिए हैं 244 रन और अब पंजाब की टीम को 245 रन चाहिए अगर उन्हें इस मैच में जीत हासिल करनी है तो। और मुंबई की टीम की तरफ से दोनों ओपनर्स आ चुके हैं और ये दोनों ओपनर्स यहाँ पर फिलहाल लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो कि स्ट्राइकर एंड पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर कैप्टन खुद रहेंगे। और मुंबई की टीम के कैप्टन ने तो कमाल की बैटिंग की है। यहाँ पर ये फुल टॉस लेंथ की बॉल है, ये बॉलर जो हैं एक नंबर के हैं, ऑन फील्ड अंपायर ने तो LBW का डिसीजन दे दिया है, पर यहाँ पर ये DRS की मांग कर दी है इन्होंने, हम देखना चाहेंगे बिल्कुल। और हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर DRS की मांग करने का कुछ सही फैसला है, यहाँ पर LBW का डिसीजन बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ तो तय है कि इस मैच को जीतने में, मतलब ये तो बात सच है कि 245 रन्स का टारगेट चेज होने वाला नहीं है, पर अगर इतनी तेज़ी के साथ विकेट्स गिरेंगे, चार बॉल में 10 रन बना करके एक बैट्समैन अगर चला जाएगा तो फिर 245 रन्स का टारगेट बहुत मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर फिलहाल एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ चुके हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ ये खेलते हैं, पर हम देखना चाहेंगे कि क्या ये तेज़ी आज बरकरार रहेगी। गुड लेंथ की ये बॉल थी और बाहर की तरफ हमने स्विंग कराई, बिल्कुल उस बॉल को पढ़ने में असमर्थ रहे बैट्समैन ने। इस बार फुल लेंथ की बॉल थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश और एक और विकेट मिल चुका है। यहाँ पर ये मैच ख़त्म हो चुका है और ये जो फील्डर्स है ना, इनका उत्साह देख करके पता चल रहा है। यहाँ पर फुल लेंथ की बॉल है सामने की तरफ, ये शॉट, फील्डर मौजूद और एक और कैच हो चुका है। अब अगर एक और विकेट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ पर सामने की तरफ ये शॉट है और एक और विकेट, कमाल की बॉलिंग हुई है आज हमारी मुंबई की टीम की तरफ से। और इसी के साथ अभी आखिरी बॉल है यहाँ पर, ओके फाइनली इन्होंने एक चौका लगाया। हाँ, चौके और छक्के काफ़ी लगाए हैं इन्होंने, इस ओवर में ही 3 छक्के लगाए, पर बावजूद इसके आज रन्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बने थे। और हमारे जो कैप्टन हैं, जो मुंबई के कैप्टन थे, क्या कमाल का खेले हैं वो आज। 55 बॉल्स में 118 रन और 38 रनों से मुंबई की टीम को जीत मिली है।